जीएसटी बिल पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की भी मौजूद। जीएसटी बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज जाने पर हो सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने पर राजी हो सकती है सरकार। भूपेंद्र यादव हो सकते हैं सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन। बीजेपी सांसद हैं भूपेंद्र। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर विकास कार्यों में बाधा डालने का लगाया आरोप। कहा कुछ और पार्टियां भी कांग्रेस के बहकावे में आईं। तरक्की के रास्ते को में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो कुछ साथी कांग्रेस के बहकावे में आए हैं उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। सोनिया गांधी आज पार्टी सांसदों से करेंगी मुलाकात। दो दिन बची संसद की कार्रवाई को लेकर बनाएंगी रणनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, भूमि बिल पर समझौता नहीं, जारी रहेगा विरोध। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज स्मृति ईरानी का दौरा, दिन भर करेंगी किसानों से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी रहेंगे साथ। फिलहाल तिलोई राय फतेहपुर में किसान पंचायत ले रही हैं स्मृति ईरानी। कांग्रेस कर रही है स्मृति ईरानी के दौरे का विरोध, फूड पार्क प्रोजेक्ट को रद्द करने के मुद्दे पर कर रहे हैं स्मृति ईरानी के दौरे का विरोध। अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी थी स्मृति ईरानी। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अब जल जयललिता संभालेंगी मुख्यमंत्री पद। 17 मई को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं जयललिता। मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात बीजेपी ऑफिस में बैठक कर इस बारे में चर्चा की। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देर रात हुई बैठक में रामलाल, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन और थावरचंद गहलोत जैसे दिग्गज रहे मौजूद। कोलकाता की लोकल ट्रेन में सियालदा के पास हुआ बम ब्लास्ट, जांच एजेंसियों के मुताबिक बम लो इंटेंसिटी का था। कुल 25 लोगों के घायल होने की खबर, 5 की हालत नाजुक। शुरुआती जांच के मुताबिक धमाका गैंग वॉर का हिस्सा होने का शक। धमाके के थोड़ी देर बाद ही फिर से शुरू हुई लोकल ट्रेन की सेवा। धमाके की जांच में फोरेंसिक टीम की जुटी। दिल्ली वालों के लिए आज भी डीटीसी बनी रहेगी मुसीबत। रोडरेज में डीटीसी ड्राइवर की मौत की घटना के विरोध में आज भी नहीं चल रही है बसें। दिल्ली सरकार ने कल दी थी हड़ताल करने वालों पर एस्मा लगाने की धमकी। मृतक ड्राइवर का परिवार और हड़ताली यूनियन कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग। कल परिवहन मंत्री गोपाल राय ने की थी 5 लाख मुआवजे की घोषणा। डीटीसी यूनियन की मांग का बीजेपी ने भी किया समर्थन। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को याद दिलाई ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले की मौत का मामला। दिल्ली सरकार ने मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को दिया था 1 करोड़ का मुआवजा। ड्यूटी के दौरान ही हुई थी डीटीसी ड्राइवर की मौत। सड़कों पर डीटीसी बसें ना उतरने से दिल्ली वाले परेशान। दिल्ली मेट्रो में बेतहाशा बढ़ी भीड़, ऑटो वाले भी वसूल रहे मनमाना किराया। दिल्ली सरकार ने कहा हड़ताल लागू खत्म तो उठाएंगे सख्त कदम। आज एलजी नजीब जंग से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता। डीटीसी रोडरेज का मामला उठाएंगे। मीडिया रिपोर्ट से जुड़े सरकारी सर्कुलर, आप नेताओं पर पैडिंग, आपराधिक मामलों पर भी केजरीवाल सरकार की करेंगे शिकायत। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा रिश्वत लेकर तय किया किसानों की फसल का मुआवजा। पाकिस्तान जाएंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश ने स्वीकार किया पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का न्योता। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 32 दिनों में से जारी जल सत्याग्रह से अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ेगी। आज सत्याग्रहियों से मिलेंगे आप नेता संजय सिंह। विजयवाड़ा में टीडीपी विधायक के बेटे ने जन्मदिन के जश्न में तोड़ा ट्रैफिक नियम। कांग्रेस और लेफ्ट ने उठाया मुद्दा। रायपुर में पंडाल गिरने के हादसे से हुई मौत के 3 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। रह गया पीएम मोदी की सभा के लिए तैयार किया गया पंडाल। 60 लोग घायल भी हुए।
रामथलबी के चलते पीएम की सुरक्षा में तैनात दो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को वक्त पर दिल्ली नहीं भेजा जा सका। बिलासपुर रेलवे प्रशासन डीआरएम ने पार्सल सुपरवाइजर को किया निलंबित। कल रात दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में आई खराबी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर इमरजेंसी गेट से बाहर निकाले गए यात्री, बिजली सप्लाई में आई थी बाधा। नोएडा सेक्टर 16 पे हम 10:44 पे बैठे थे मेट्रो में, 10:44 से चार स्टेशन यमुना बैंक तक के लिए, अब हमें 1:15 हो गया। नेपाल में आंधी बारिश के बीच सोमवार को फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई तीव्रता। सिंधुपाल चौक था भूकंप का केंद्र, साथ ही बिजली गिरने के हादसे में शख्स की हुई मौत। गुड़गांव में हिट एंड रन का मामला, लग्जरी कार में सवार युवकों ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल पर चढ़ाई कार, रसूखदार आरोपियों ने हादसे के बाद पीड़ित कांस्टेबल को धमकी भी दी, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। कानपुर में ऑडी कार से रेस के दौरान होंडा सिटी कार सवार ने 3 को रौंदा, 1 की मौके पर मौत। गंभीर रूप से 2 घायलों में से 1 ट्रैफिक सिपाही भी शामिल, गलत दिशा से ओवरटेक करते वक्त होंडा ने सभी को रौंदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गहरे नाले में गिरी बस, 23 की मौत, 35 यात्री जख्मी। झारखंड की कुंवारी आदिवासी लड़कियों को मां बनने और फिर बच्चे को बेचने के लिए मजबूर करने का मामला आया सामने। दिल्ली में काम के लिए आई थी लड़कियां, पीड़ित लड़कियों की मां ने बाल कल्याण समिति से की गुहार, अभी तक नहीं चला है 2 बेटियों का पता। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली फैक्ट्री में डाका, करीब 18 बदमाशों ने 3 सुरक्षा गार्ड्स को बंधक बनाकर 15 लाख का माल लूटा। बदमाश लूट का माल ट्रक में भरकर ले गए, जाते वक्त तोड़ा सीसीटीवी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कैद हो चुकी थी तस्वीर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे कश्मीर के सोनमर्ग में आज सलमान खान करेंगे बजरंगी भाईजान की शूटिंग। सलमान ने सोनमर्ग में 1 सप्ताह छुट्टियां बिताने का भी किया है फैसला। विवादों के बीच बीसीसीआई महासचिव अनुराग ठाकुर का बयान, तमाम मुद्दों पर बातचीत के बाद ही होगा फैसला। पीसीबी प्रमुख शहरयार खान ने कहा, खेल और राजनीति को नहीं मिलाया जाना चाहिए। प्रतिबंध के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम में नहीं देख सकेंगे अपनी ही टीम का मुकाबला। साल 2012 में गार्ड से झड़प पर लगा था प्रतिबंध, 14 मई को वानखेड़े में होगी मुंबई इंडियंस से कोलकाता की टक्कर। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड आज 28 साल के हुए, पत्नी और अपनी टीम के साथ मनाएंगे जश्न। बेंगलुरु से पिछला नजदीकी मुकाबला हारने का है मलाल, साथ ही टूर्नामेंट में वापसी का है भरोसा। आज आईपीएल 8 में दिल्ली और चेन्नई के बीच भिड़ंत, रायपुर में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 5 रन से हराया, हैदराबाद की टीम ने दिया था 186 रनों का लक्ष्य। सात विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी पंजाब की टीम, सबसे ज्यादा मिलर ने 89 रनों का दिया योगदान। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने बनाए 81 रन, पंजाब के लिए हेनरिक्स ने झटके 2 विकेट। आज की जीत के साथ हैदराबाद अंक तालिका में 3रे नंबर पर, पंजाब 8वें पायदान पर।